बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। दिस इज़ मिस सहार हेयर फ्रॉम मेट्रोपॉलिटन स्कूल। इट्स सोशल स्टडीज़ टाइम फॉर क्लास 7। स्टूडेंट्स, टुडे वी आर इंशाल्लाह गोइंग टू कंटिन्यू यूनिट नंबर 6 व्हिच वी स्टडीड इन द प्रीवियस वीक, एंड इट वॉज ऑल अबाउट फोर्सेज दैट चेंज द फेस ऑफ द अर्थ। और वो फोर्सेज कौन सी थी, वी डिस्कस देम अर्लियर। देवर internal and external agents. In the previous lesson we studied about some of the internal agents, which were earthquakes, tsunami, landslides, and about volcanic eruption. We studied the above three in detail, but we didn't study about volcanic eruption. Here you can see some ash coming out of a माउंटेन, बट बेसिकली बेटा ये कोई माउंटेन नहीं है, इट इज़ अ वॉल्केनो। वॉल्केनो के माउथ किस तरह होता है, लेट्स सी। हियर यू कैन सी द माउथ ऑफ अ वॉल्केनो विच इज़ कॉल्ड क्रेटर। इट इज़ अ कोन शेप माउथ, कोन की तरह का ये माउथ होता है। दीज वॉल्केनोज इरप्ट लावा फ्रॉम देयर माउथ। नाउ लावा क्या होता है बेटा, लावा is the hottest liquid, hottest natural liquid on earth, which erupts from the mouth of the volcano. Here you can see some of its images of lava erupting from the volcanic mouth. You can see this lava coming out of the volcano on the roads. This is called magma. Here you can see in the picture, the when lava is beneath the surface of the earth, zameen ke crust ke niche hai, to wo kya kehlata hai, magma kehlata hai, right? And when this magma erupts upward onto the surface of the earth, yahi magma jab zameen ke upar volcanic mouth se bahar nikalta hai, so that is called लावा, राइट। लेट मी टेल यू सम इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट द वॉल्केनोज इन पाकिस्तान। इनफैक्ट देर इज नो वॉल्केनो इन पाकिस्तान, राइट, बट येट वी हैव सम वेरी इंटरेस्टिंग वॉल्केनोज विच आर कॉल्ड मड वॉल्केनोज। हेयर यू कैन सी इन द इमेज सम मडी रॉक्स विद द माउथ लाइक वॉल्केनोज। और इनको मड वॉल्केनोज क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनकी जो इरप्शन होती है वो किसी लावा की नहीं होती, बल्कि वो मड की होती है। इस तरह से कुछ बबल्स मड के बन रहे होते हैं थ्रू आउट, एक जैसे वाटर बॉयल हो रहा होता है ना, इसी तरह इन वॉल्केनोज में मड बॉयल हो रही होती है और उसके बाकायदा बबल्स बन रहे होते हैं और वो इरप्ट कर रही होती है। सो इसके बारे में आप गूगल में भी जाके बहुत ज़्यादा चीज़ें सर्च कर सकते हैं, बहुत सारी वीडियोस हैं, और इवन आप इसको ख़ुद भी विज़िट इसका प्लान कर सकते हैं। एनी टाइम यू कैन गो एंड विज़िट दीज मड वॉल्केनोज, दे आर वेरी इंटरेस्टिंग। नाउ वी विल फर्दर स्टडी अबाउट द एक्सटर्नल एजेंट्स, इन विच वी विल स्टडी अबाउट रेनफॉल, रिवर, ग्लेशियर्स, सी एंड विंड। दे ऑल आर द एक्सटर्नल एजेंट्स विच चेंज द फेस ऑफ द। Now let's move towards homework assignment. In this week you have to read page number 33 and 34 of unit number 6, and you have to do question number 6 to 10, it means 6 7 8 9 10 in your copy. Do your work carefully beta and proper, and send your copies in school for checking. Thank you so much. Thanks for watching the video. Allah Hafiz.